हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। आज हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर के बारे में। आपको ये सुनकर काफी हैरानी होगी कि इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है जो काफी मशहूर है। राजा दक्ष अपनी बेटी सती की पसंद यानी भगवान शिव से नाखुश थे। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तब उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने देवी सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पिता दक्ष से शिव को अपमानित होते देखकर देवी सती क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने शरीर को उसी यज्ञ में आत्मसमर्पित कर दिया। सती की मौत से भगवान शिव दुख और क्रोध से त्रस्त हो गए। उन्होंने देवी सती के शरीर को अपने कंधे के ऊपर रखा और स्वर्ग में तांडव करने लगे। अन्य देवताओं ने भगवान शिव के क्रोध से डरकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को नष्ट करने के हेतु अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसकी वजह से देवी सती के शरीर के टुकड़े हो गए, जिसके बाद भगवान शिव ध्यान में चले गए। विभिन्न मिथकों और परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े बिखरे हुए हैं और इसे ही शक्तिपीठ कहा जाता है। कामाख्या मंदिर ये वही क्षेत्र है जहां पर देवी सती के शरीर की योनि का भाग गिरा था, इसलिए यहां पर योनि की पूजा की जाती है।